देख रहे हैं खटपट न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा सरकार। खटपट न्यूज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया, बालोद व कोरबा जिले की पुलिस विभाग की कार्यवाही व उनसे जुड़ी खबरें। गौरेला थाना अंतर्गत एक युवती से फेसबुक में दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म करने व डरा धमका कर 80,000 रुपए वसूलने वाले उत्तर प्रदेश निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पेंड्रा निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उत्तर प्रदेश भेजी गयी। पुलिस ने मामले में प्रयागराज निवासी अमित पांडे गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने युवती से फेसबुक में दोस्ती बढ़ाकर उसका अश्लील फोटो वीडियो मोबाइल में बनाकर ब्लैकमेल करते हुए दुष्कर्म किया और डरा धमकाकर युवती का एटीएम लेकर उसमें से 80,000 रुपए भी निकाल लिए थे। दुर्गा पुलिस ने कट्टे की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 10 लाख रुपए भी बरामद कर जब्त किया है। इंडियन बैंक के कसारी डी शाखा का कर्मचारी राहुल चौहान एक्टिवा में 15 लाख रुपए लेकर कसारी डी शाखा आ रहा था। इस दौरान पुल साय पारा के पास 3 युवक पहुंचे और कट्टे की नोक पर जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख रुपए लूट लिए। मामले में एसएसपी बद्री मीणा के मार्गदर्शन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी राजीव रंजन, सुनील पांडे और आतिश गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले के बालकोनगर थाना अंतर्गत बस स्टैंड, जोन कार्यालय व परसाभाटा में सट्टा खेला रहे 3 लोगों को सट्टा पट्टी के साथ पकड़ा। कोरबा एसपी भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में बालको पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर बालको बस स्टैंड, जोन कार्यालय के सामने व परसाभाटा में सट्टा खिला रहे मिलन दास महंत, रवि कुमार कंवर व भूषण दास महंत को गिरफ्तार कर कुल 5,300 रुपए नकदी व लगभग 1 लाख का सट्टा पट्टी बरामद किया गया है। कोरबा जिले के दरी थाना अंतर्गत चिटफंड कंपनी में रकम दुगना करने के नाम पर 23 लाख रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। दरी पुलिस ने दिलीप कुमार खूंटे की रिपोर्ट पर श्रीराम रियल स्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी द्वारा रकम दुगना करने की झांसा देकर लगभग 23 लाख रुपए ठगी करने आरोपी बबलू प्रजापति को राजस्थान जेल से सीजीएम के प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पेश किया गया है। आरोपी से पूछताछ करने पर अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर जिले के व्यापार विहार क्षेत्र में एक ट्रक चालक को चाकू मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। बिलासपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के मार्गदर्शन में सिविल लाइन पुलिस ने रायपुर से सामान लेकर श्याम एजेंसी व्यापार विहार बिलासपुर में सामान खाली कर वापस लौट रहे ट्रक चालक विनोद कुमार से गाली गलौज कर मारपीट करने व चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले 3 आरोपी कबीर महानदिया, धर्मेंद्र खांडे व पवन नाग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज।